हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डीवी बिल्डर को इस्तेमाल करना सीखेंगे और उसको इस्तेमाल करते हुए डीवी बिल्डर की जो सेक्शंस हैं, रोस हैं और मॉड्यूल्स हैं और किस किस्म के मॉड्यूल्स हैं और जो है उसमें क्या क्या सेटिंग्स आप कर सकते हो, तमाम चीजें इन डिटेल में देखेंगे। आप वीडियो पूरा देखना, अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो 1.25x कर भी आप देख सकते हो। और आज डीवी के जो है हम स्लाइडर को एक यूज करेंगे और बेसिक फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे स्लाइडर में। क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं हम वो कर कर बताएंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखना और कुछ समझ में ना आए या कुछ आपको और सीखना हो तो कमेंट कर कर जरूर बताना। चलें वीडियो को शुरू करते। हेलो फ्रेंड्स, आज देखते हैं हम कि कैसे हम डीवी के जो है पेज बिल्डर को यूज करें और उसके जरिए हम एक पेज बनाए। तो यहाँ प्लस न्यू पर क्लिक करके जो है पेज को हम क्लिक कर देंगे तो एक नया पेज आपके लिए यहाँ पर बन जाएगा। सपोज मैं इसका नाम दे दूं कि होम, ठीक है, और मैं इसको सेव ड्रॉप कर दूं। अब यहाँ ऑप्शन आएगा कि बिल्ड योर लेआउट यूजिंग डीवी। तो अगर आप डीवी से बनाना चाहते हो, डीवी बिल्डर को यूज करोगे तो ये करेंगे, और नॉर्मली आप वर्डप्रेस पर जो नॉर्मल पेज बिल्डर होता है ब्लॉग का, उससे करना चाहो तो यहाँ पर। तो हम जो है डीवी सीख रहे हैं तो डीवी बिल्डर को हम इस्तेमाल करेंगे। तो जब आपने यूज डीवी बिल्डर क्लिक किया है तो जैसा कि तीन ऑप्शंस आते हैं कि बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, चूज ए प्रीमेड लेआउट, क्लोन एग्जिस्टिंग। तो कल की क्लास में हमने जो है पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रीमेड लेआउट से जो है हम कैसे बना सकते हैं। आज हम करेंगे कि बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, मैं स्क्रैच से बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलें सबसे पहले आपको डीवी का लेआउट हम समझ लेते हैं पेज बिल्डर का। तो यहाँ पर देखिए ये मोबाइल लेआउट होगा, ये टैब का होगा, ये आपके डेस्कटॉप का होगा, और उसके बाद ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो है वायर फ्रेम व्यू दिखेगा। यानी अब जब यहाँ पर क्लिक करोगे आप तो डीवी बेसिकली जो है एक पहले सेक्शन होता है, ब्लू कलर से जो आता है वो सेक्शन होता है। वो एक सेक्शन में जो है आपको तमाम चीजें रखनी होती है। उसके बाद जो है ये जो दिख रहा है प्लस ग्रीन कलर का, ये एड न्यू रो होता है, यानी आप कितने रोस रखना चाहिए, कितने कॉलम्स की रो रखना चाह रहे हैं। एक सिंगल कॉलम रो हो गई, ये डबल कॉलम, ये ट्रिपल कॉलम, ये चार कॉलम की है, ये पांच है, ये छह है, फिर ये लेफ्ट साइड का स्मॉल, राइट साइड का, आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं। तो सपोज मैं थोड़ी देर के लिए हम इसको सेक्शंस को समझेंगे, तो मैं एक सिंगल लाइन पे रो ले लूंगा, तो उसके बाद आपको आ जाएगा मॉड्यूल कि वो सिंगल लाइन रो जो आपने खरीद ली है उसमें आपको कौन सा मॉड्यूल रखना है। तो अकॉर्डियन टाइप रख सकते हो आप, ऑडियो रख सकते हो, बार कॉन्टेक्ट रख सकते हो, ब्लॉग पोस्ट अगर आपकी कोई है उसको शो करना चाह रहे हैं तो उसको ला सकते हो, ब्लर्ब आप ले सकते हो, यानी ब्लर्ब में जो है आइकन आ जाएगा, हेडिंग आ जाएगी और कंटेंट आ जाएगा, या इमेज आ जाएगी, हेडिंग आ जाएगा और कंटेंट आ जाएगा। इन तमाम को हम देखेंगे इंशाल्लाह। फिर बटन है, यानी आप अगर बटन रखना चाहो तो बटन रख सकते हो, कॉल टू एक्शन बटन रखना चाहो तो वो रख सकते हो, सर्कल काउंटर रखना चाहो कि सर्कल में जो है नंबर्स आ जाए, जो है कुछ कोड लिखना चाहो, कमेंट्स हैं, इसी तरह कॉन्टेक्ट फॉर्म है, काउंटडाउन टाइमर है, डिवाइडर है, ईमेल ऑप्ट इन फॉर्म अगर आप रखना चाहो, फिल्टरेबल पोर्टफोलियो है, गैलरी है, हेडिंग्स है, आइकॉन्स अगर आप रखना चाहो तो आइकॉन्स यहाँ से ले सकते हो, इसी तरह इमेज है, लॉगिन फॉर्म लगाना चाहो तो लगा सकते हो, मैप गूगल मैप्स को इंटीग्रेट करना चाहो तो कर सकते हो, आप जो है मेनू लगाना चाहो तो बीच में मेनू भी लगा सकते हो, इसी तरह नंबर काउंटर आते हैं ना कि हमारे पास 1000 बच्चे हमारे पास जो है पढ़ चुके हैं, इसी तरह का जो नंबर काउंटर होता है वो भी आप पर्सन को अगर रखना चाहो तो पर्सन डिटेल्स भी रख सकते हो, पोर्टफोलियो है, पोस्ट नेविगेशन है, पोस्ट स्लाइडर है, पोस्ट टाइटल है, प्राइसिंग टेबल्स है, ठीक है ना। आप होस्टिंगर पर अगर जाओगे तो होस्टिंगर पर जाकर जब देखोगे तो आपको तीन प्राइसिंग टेबल आते हैं ना कि बेसिक है, एक प्रीमियम है, एक बिजनेस है, एक क्लाउड है। तो ऐसा प्राइसिंग टेबल आप आपकी वेबसाइट पर बनाना चाहो तो ये भी बना सकते हो। सर्च है, साइड बार है, स्लाइडर है, आप स्लाइडर देना चाहो, सोशल मीडिया फॉलो बटन रखना चाहो, या आपकी वेबसाइट पर टैग्स लगाना चाहो तो वो भी आप लगा सकते हो, टेस्टिमोनियल्स ऐड करना चाहो तो एक टेस्टिमोनियल का एक अलग लुक आता है, तो उसमें इमेज होती है, यूजर का नाम होता है, उसकी डेस्टिनेशन होती है या ऑक्यूपेशन होती है, और उसका एक जो टेस्टिमोनियल है वो आता है। इसी तरह टेक्स्ट है तो इसमें नॉर्मल टेक्स्ट भी आ जाएगा, हेडिंग भी आ जाएगा, बुलेट पॉइंट्स भी आ जाएंगे जो सबसे ज्यादा हम इसको इस्तेमाल करते हैं। टॉगल व्यू है, ठीक है ना, एक को ओपन करे तो दूसरा क्लोज जो हो जाता है वो टॉगल व्यू होगा। वीडियो आप ऐड कर सकते हो और वीडियो का स्लाइडर भी आप यूज कर सकते हो। तो इतने बहुत से हैं, हम तमाम को इंशाल्लाह एक के बाद एक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिलहाल ये आज यहाँ इस बात को अच्छे से समझो। उसके बाद आ जाइए ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी। डीवी की लाइब्रेरी होती है, यानी बाद मॉड्यूल्स जो आपको रेगुलर बेसिस पर जो है आपको इस्तेमाल करने हैं, अगर वो इस्तेमाल करना हो तो आप यहाँ पर जब उसको सेव करके रखोगे तो वो मॉड्यूल्स आपको यहाँ पर दिखेंगे।
ठीक है, उसमें से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो चले आज की पोस्ट में हम ये करते हैं कि एक ब्लर्ब को ले लेते हैं, ठीक है, या एक स्लाइडर को ले लेंगे। तो मुझे स्लाइडर यहाँ मैं लिख लूंगा, तो स्लाइडर आ जाएगा। पोस्ट स्लाइडर है, आपके पोस्ट हो उनको एज ए स्लाइडर शो करना है वो भी शो कर सकते हैं, और इमेजेस को स्लाइडर के तौर पर शो करना है तो इमेजेस को भी कर सकते हैं। तो चले हम स्लाइडर के तौर पर इमेजेस को ले लें। तो ये तो हम वायर फ्रेम में है, हम नॉर्मल जो है डेस्कटॉप व्यू में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा स्लाइडर है, तो स्लाइडर के बाद जो है हमको एड न्यू स्लाइड करना है। तो मैं प्लस लिखूंगा, और तो इसका स्लाइडर कुछ इस तरीके से होता है कि योर टाइटल गोज हियर, तो गूगल एड्स पोस्ट, ठीक है, क्लिक हियर। ये कंटेंट पर ऐसे रहेंगे, मुझे इमेज लगाना है तो मैं इमेज पर जाऊंगा, यहाँ से अपलोड फाइल्स। और हेलो फ्रेंड्स, आज देखते हैं हम कि कैसे हम डीवी के जो है पेज बिल्डर को यूज करें और उसके जरिए हम एक पेज बनाए। तो यहाँ प्लस न्यू पर क्लिक करके जो है पेज को हम क्लिक कर देंगे, तो एक नया पेज आपके लिए यहाँ पर बन जाएगा। सपोज मैं इसका नाम दे दूँ कि होम, ठीक है, और मैं इसको सेव ड्रॉप कर दूँ। अब यहाँ ऑप्शन आएगा कि बिल्ड योर लेआउट यूजिंग डीवी। तो अगर आप डीवी से बनाना चाहते हो, डीवी बिल्डर को यूज करोगे तो ये करेंगे, और नॉर्मली आप वर्डप्रेस पर जो नॉर्मल पेज बिल्डर होता है ब्लॉक ब्लॉक का, उससे करना चाहो तो यहाँ पर। तो हम जो है डीवी सीख रहे हैं तो डीवी बिल्डर को हम इस्तेमाल करेंगे। तो जब आपने यूज डीवी बिल्डर क्लिक किया है, तो जैसा कि तीन ऑप्शंस आते हैं कि बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, यूज ए प्रीमेड लेआउट, क्लोन एग्जिस्टिंग। तो कल की क्लास में हमने जो है पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रीमेड लेआउट से जो है हम कैसे बना सकते हैं। आज हम करेंगे कि बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, मैं स्क्रैच से बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो चलें सबसे पहले आपको डीवी का लेआउट हम समझ लेते हैं पेज बिल्डर का। तो यहाँ पर देखिए, ये मोबाइल लेआउट होगा, ये टैब का होगा, ये आपके डेस्कटॉप का होगा, और उसके बाद ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो है वायर फ्रेम व्यू दिखेगा। यानी अब जब यहाँ पर क्लिक करोगे आप, तो डीवी बेसिकली जो है एक पहले सेक्शन होता है, ब्लू कलर से जो आता है वो सेक्शन होता है, वो एक सेक्शन में जो है आपको तमाम चीजें रखनी होती है। उसके बाद जो है ये जो दिख रहा है प्लस ग्रीन कलर का, ये एड न्यू रो होता है, यानी आप कितने रोस रखना चाहिए, कितने कॉलम्स की रो रखना चाह रहे हैं। एक सिंगल कॉलम रो हो गई, ये डबल कॉलम, ये ट्रिपल कॉलम, ये चार कॉलम की है, ये पांच है, ये छह है, फिर ये लेफ्ट साइड का स्मॉल, राइट साइड का, आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं। तो सपोज मैं थोड़ी देर के लिए हम इसको सेक्शन को समझेंगे, तो मैं एक सिंगल लाइन की रो ले लूंगा, तो उसके बाद आपको आ जाएगा मॉड्यूल, कि वो सिंगल लाइन रो जो आपने खरीद ली है उसमें आपको कौन सा मॉड्यूल रखना है। तो अकॉर्डियन टाइप रख सकते हो आप, ऑडियो रख सकते हो, बार काउंटर्स रख सकते हो, ब्लॉग पोस्ट अगर आपकी कोई है उसको शो करना चाह रहे हैं तो उसको ला सकते हो, ब्लर्ब आप ले सकते हो, यानी ब्लर्ब में जो है आइकन आ जाएगा, हेडिंग आ जाएगी और कंटेंट आ जाएगा, या इमेज आ जाएगी, हेडिंग आ जाएगा और कंटेंट आ जाएगा। इन तमाम को हम देखेंगे इंशाल्लाह। फिर बटन है, यानी आप अगर बटन रखना चाहो तो बटन रख सकते हो, कॉल टू एक्शन बटन रखना चाहो तो वो रख सकते हो, सर्कल काउंटर रखना चाहो कि सर्कल में जो है नंबर्स आ जाए, जो है कुछ कोड लिखना चाहो, कमेंट्स है, इसी तरह कॉन्टेक्ट फॉर्म है, काउंटडाउन टाइमर है, डिवाइडर है, ईमेल ऑप्ट इन फॉर्म अगर आप रखना चाहो, फिल्टरेबल पोर्टफोलियो है, गैलरी हैडिंग्स है, आइकॉन्स अगर आप रखना चाहो तो आइकॉन्स यहाँ से ले सकते हो, इसी तरह इमेज है, लॉगिन फॉर्म लगाना चाहो तो लगा सकते हो, मैप गूगल मैप्स को इंटीग्रेट करना चाहो तो कर सकते हो, आप जो है मेनू लगाना चाहो तो बीच में मेनू भी लगा सकते हो, इसी तरह नंबर काउंटर आते हैं ना कि हमारे पास 1000 बच्चे हमारे पास जो है पढ़ चुके हैं, इसी तरह का जो नंबर काउंटर होता है वो भी आप पर्सन को अगर रखना चाहो तो पर्सन डिटेल्स भी रख सकते हो, पोर्टफोलियो है, पोस्ट नेविगेशन है, पोस्ट स्लाइडर है, पोस्ट टाइटल है, प्राइसिंग टेबल्स है, ठीक है ना। आप होस्टिंगर पर अगर जाओगे तो होस्टिंगर पर जाकर जब देखोगे तो आपको तीन प्राइसिंग टेबल आते हैं ना, कि बेसिक है, एक प्रीमियम है, एक बिजनेस है, एक क्लाउड है। तो ऐसा प्राइसिंग टेबल आप आपकी वेबसाइट पर बनाना चाहो तो ये भी बना सकते हो। सर्च है, साइड बार है, स्लाइडर है, आप स्लाइडर देना चाहो, सोशल मीडिया फॉलो बटन रखना चाहो, या आपकी वेबसाइट पर टैग्स लगाना चाहो तो वो भी आप लगा सकते हो, टेस्टिमोनियल्स ऐड करना चाहो तो एक टेस्टिमोनियल का एक अलग लुक आता है, तो उसमें इमेज होती है, यूजर का नाम होता है, उसकी डेस्टिनेशन होती है या ऑक्यूपेशन होती है, और उसका एक जो टेस्टिमोनियल है वो आता है। इसी तरह टेक्स्ट है, तो इसमें नॉर्मल टेक्स्ट भी आ जाएगा, हेडिंग भी आ जाएगा, बुलेट पॉइंट्स भी आ जाएंगे, जो सबसे ज्यादा हम इसको इस्तेमाल करते हैं। टॉगल व्यू है, ठीक है ना, एक को ओपन करे तो दूसरा क्लोज जो हो जाता है वो टॉगल व्यू होगा, वीडियो आप ऐड कर सकते हो और वीडियो का स्लाइडर भी आप यूज कर सकते हो। तो इतने बहुत से हैं, हम तमाम को इंशाल्लाह एक के बाद एक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिलहाल ये आज यहाँ इस बात को अच्छे से समझो। उसके बाद आ जाइए ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी।
डीवी की लाइब्रेरी होती है, यानी बाग मॉड्यूल्स जो आपको रेगुलर बेसिस पर जो है आपको इस्तेमाल करने हैं। अगर वो इस्तेमाल करना हो तो आप यहाँ पर जब उसको सेव करके रखोगे तो वो मॉड्यूल्स आपको यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है, उसमें से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए आज की पोस्ट में हम ये करते हैं कि एक ब्लर्ब को ले लेते हैं, ठीक है, या एक स्लाइडर को ले लेंगे। तो मुझे स्लाइडर यहाँ मैं लिख लूंगा, तो स्लाइडर आ जाएगा, पोस्ट स्लाइडर है, आपके पोस्ट हो उनको एज ए स्लाइडर शो करना है वो भी शो कर सकते हैं, और इमेजेस को स्लाइडर के तौर पर शो करना है तो इमेजेस को भी कर सकते हैं। तो चलिए हम स्लाइडर के तौर पर इमेजेस को ले लें। तो ये तो हम वायर फ्रेम में है, हम नॉर्मल जो है डेस्कटॉप व्यू में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा स्लाइडर है, तो स्लाइडर के बाद जो है हमको एड न्यू स्लाइड करना, तो मैं प्लस लिखूंगा। और तो इसका स्लाइडर कुछ इस तरीके से होता है कि योर टाइटल गोज हियर, तो गूगल एड्स पोस्ट, ठीक है, क्लिक हियर, ये कंटेंट तो ऐसे ही रहेंगे। मुझे इमेज लगाना है तो मैं इमेज पर जाऊंगा, यहाँ से अपलोड फाइल्स।